और यहां पर आग लगने से उस दौरान हड़कंप मच गया। 7 बच्चों के झुलसने से मौत हो गई। तो 12 बच्चों को कल देर रात रेस्क्यू कराया गया था, उसमें से अस्पताल में इलाज के दौरान 7 बच्चों की मौत की खबर सामने आई। तो इस भीषण हादसे से हर किसी में कोहराम मचा हुआ है। ये तस्वीर आपको हम उसी दौरान की दिखा रहे हैं, दिल्ली पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार का ये पूरा मामला है जहां पर ये देर रात हादसा हुआ है। शिशु देखभाल केंद्र का ये पूरा मामला, भीषण आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया, 7 बच्चों के झुलसने से मौत हो गई। तो 12 बच्चों को कल देर रात रेस्क्यू जो है कराया गया था, जिन्हें फिर आनंद फानंद में अस्पताल भर्ती कराया गया। इन 12 बच्चों में से 7 बच्चों की मौत की खबर है। हालांकि आग किस वजह से लगी है ये अभी जांच का विषय है, लेकिन देखिए लाल लपटों का जो तांडव है वो यहां पर शिशु देखभाल केंद्र में देखने को मिला है। तो ये तस्वीर आपको हम इस दौरान की दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के विवेक विहार नामक इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसा दरअसल यह है कि विवेक विहार का ये न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर है और ये आप देख सकते हैं, ये शनिवार देर रात आग के हवाले हो गया, जिसमें नवजात बच्चों को इस बेबी केयर सेंटर में रखा जाता था। और इस हादसे में 6 जो छोटे नवजात बेबी होते हैं उनकी मौत की दर्दनाक खबर सामने आई है। 6 नवजात जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो जल करके इस आग में उन लोगों की मौत हुई है। और कहा जा रहा है कि जो एक बच्चा वेंटिलेटर पर है उसकी भी मौत की खबर सामने आ रही है। कुल मिलाकर के शनिवार देर रात 11:30 बजे फायर डिपार्टमेंट को सूचना मिली थी कि विवेक विहार के न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर में आग लगी थी। और उस आग, ये देखिए आप देख सकते हैं इसका फ्रंट जो है, ये जो बेबी केयर सेंटर है विवेक विहार का, इसका फ्रंट देखिए कितना छोटा फ्रंट है। बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर इस समय आपको अपने विजुअल में दिखाई दे रहे हैं। जब आग लगी है तो ऑक्सीजन सिलेंडर बड़ी संख्या में यहां पर फटे हैं। और ये देखिए जो रास्ता है ऊपर का, यदि हम कैमरे से यहां पर दिखाएं तो जो ऊपर से नीचे उतर आने का जो रास्ता है वो एक ही रास्ता है। सीढ़ियां देखिए कितनी संकरी सीढ़ियां हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि 12 जो नवजात बच्चे थे उनको यहां से शिफ्ट किया गया था। स्थानीय लोगों ने मदद की थी। शनिवार रात 11:30 बजे आग लगने की सूचना सामने आई थी। देखिए बाहर ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है, ये भी पूरी तरह आग की चपेट में आ गई है। दर्दनाक ये हादसा हुआ है, 6 न्यू बॉर्न बेबीज की इस हादसे में जल करके मौत हो गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो बड़ी संख्या में फटे हैं। देखिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर यहां पर फटा हुआ है, ये देखिए नीचे एक ऑक्सीजन सिलेंडर यहां पर पड़ा हुआ है, बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो फटे हैं। और जो बगल की जो बिल्डिंग है वो भी इस हादसे में आग की चपेट में आई है। स्थानीय लोगों ने मिलकर के काफी मशक्कत के बाद में 12 बच्चों को जो है रेस्क्यू यहां से किया था। हैरानी की बात है कि इतना छोटा, देखिए इसका फ्रंट है, इतने छोटे फ्रंट में इतनी संकरी सीढ़ी में ये यहां पर न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर चल रहा था। क्या वो यार्ड स्टिक्स थे, क्या वो मापदंड थे, क्या वो पूरे हुए थे कि नहीं हुए थे, फिलहाल हादसा हो गया है, दर्दनाक हादसा है। और अभी भी जो है 5 जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं वो अभी भी दूसरे अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। फिलहाल जो 6 न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनकी जल करके इस हादसे में मौत हो गई है।